कैसे ही देखो ये क्या भसड़ मचवा रहे हैं, कितनी चिड़चिड़। इसकी शादी है और देखो कितना प्रेशर ले रहा है बंदा। नहीं पहले ऐसे ही भेजूंगी ना, तू काम कर रहा तेरे यू हैव करा यार साथ में उठा उठा उठा। अरे हो जाएगा यार, तो यूज हो जाएगा, यूज हो जाएगा तो अलग रखते हैं। ये तो है रिक्शा वाला पेंट चाहिए, रिक्शा वाला पेंट चाहिए। इसने ना मेरा फोन बंद कर दिया था छीन के, सॉरी। ये देखो मम्मी का आप कलर हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा रही है भाई। अरे रोटी बना रही है यहाँ पे किचन में, ये हमारी रॉक्सी, क्यूट सी रॉक्सी। रॉक्सी अरे पापा क्या हुआ, गिरा है भाई वो, तो ये गिरता तो सही ऊपर से लुटकाएगी। ये हमारी रॉक्सी, रॉक्सी कहाँ जा रही है, आ जा भाई, ये हमारी सुनती नहीं। देख देख कहाँ गया, रुक जा नंदी, रुक जा ये भाई अंदर दे वाला प्रॉपर पेंट के लिए ले मन्नू ने, ए मन्नू रॉक्सी रॉक्सी ले जाओ। बत्तू बत्तू सही से लगा ले इसको। हेलो गाइस ये देखो इसे, देखो मम्मी की वॉइस शुरू हो जाएगी, एक आध गाली सुनने के लिए मिले तो उसके लिए सॉरी, क्यों गालियां भी अब आपको बकायदा है पे सुनने के लिए मिलेगी, मम्मी बहुत देती है। हाँ कुछ कहां से पेंट कर रहेगा और वो और पान का भी भिजवा लेंगे, तो मैं कुछ कहां से रहेगा, इसे थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करती हूँ, दिखा लेती हूँ मैं भी कोई काम। आप तनक पेंट कहाँ गिरा है, घर पे सिलर से साफ कर दिया मैंने तो। मेरा फोन ना गिर जाए, इसलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, कल की लगन है पर भाई सब काम कंप्लीट नहीं है, और ये हमेशा सिर्फ रोटी बनाती है, रोटी बनाने के अलावा ऐसे कोई और काम नहीं है। ये पूरी शादी सिर्फ रोटी बनाएगी, इसे हमें खाना बनाने का टेंडर दिया हुआ है। हेलो कोमल, तो कोई नहीं खाने का टेंडर दिलाती हूँ। अभी सारे घर मतलब फैला फैला हो रहा है, कोई नहीं शादी का घर है, यही होता है कि थोड़ा बहुत तो चलता है यार, कोई नहीं। ये है जो कैमरा फेस नहीं करते, जो हमेशा अपना मुंह छुपाते रहते हैं, ये ऐसा गंदा हो रहा है, छोड़ो। इन दोनों को दिया है टेंडर खाना बनाने का। तो गाइस चलो थोड़ा सा मैं काम करा लेती, और यहाँ पे भी मेरे कपड़े बन गए हैं। मैंने सिर्फ यही टेंडर लिया है अपनी वीडियो बनाने का, सब काम करो मैं अपनी वीडियो पे फोकस डालूंगी, मुझे कोई काम नहीं वाम नहीं करना। और यहाँ भी हमारे मतलब मेरे और दीदी के सूट बन रहे हैं, कौशल सूट लेके आ चुके हैं, दो सूट यहाँ बन रहे हैं, मुझे जाके अंडी पे से वो सूट उठा के और लेके आने। सो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, ये थोड़ा सा करा लेती हूँ वरना सच्ची में मुझे गालियाँ मिल जाएगी। ओके बाय बाय बाय, क्यों करना है, थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। शो तो गाइस हम जा रहे हैं इस टाइम अपनी पंजावन आंटी के पास अपने कपड़े डालने, क्योंकि हमारे कपड़े कुछ यहाँ पे रखे थे जो रह गए थे, सोचे ना यहीं पे सिलवा लेते हैं जब यहाँ पे है। तो मेरा कैमरा कोमल देखे, मेरा कैमरा गंदा हो रहा है, गंदा ना साफ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कैमरा थोड़ा गंदा हो रहा है शायद। तो गाइस हम वहाँ पे जा रहे हैं, और रस्ते में घर से मतलब खाना वाना हमने खा लिया, खाने का मैं सूट नहीं कर पाई थी, सबने खाना वाना खा के हम जब निकले हैं घर से, और
पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। और मतलब मेरी तो हो चुकी है, इन्हें वैक्सिंग कराना है। मैं भी कुछ कह देती बढ़िया वाला, पूछ का वो एक बार तो ये जा रही पार्लर में पूछने, एक बार इन्हें पूछने दो क्योंकि वैक्स करानी है। हमारे तो हो चुकी है, सब काम मैं करवा के आई थी अपना वहाँ से ही घर से, अब इनको हो रहे हैं है ना। ओहो सॉरी मेरा कैमरा मुड़ गया भाई साहब, ये दूसरा पार्लर जहाँ पूछना है, पीछे पार्लर में पूछे भाई, निकल जाओ यार। एकदम चल रही नहीं आ जाएंगी यार, मैं सप्लाई इतना रही वैक्स बस ऐसी ही होगी। सो गाइस बस आंटी की शॉप पे पहुँच जाए, यहाँ तक तो कैमरा ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लग रहा है पूरा मुझे रास्ते में चलते चलते ही कंप्लीट हो जाएगा ये। सो चलते हैं आंटी की शॉप पे पहुँच जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। आज मीत आंटी की शॉप ले। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं आंटी की शॉप तक, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आंटी को पता नहीं ऊपर हो गया नीचे, हम अपने कपड़े डाल चुके हैं, आंटी की शॉप से निकल चुके हैं। आंटी भी कैमरा फेस नहीं करना चाहती थी भाई, उन्होंने सूट नहीं डाल रखा था, यानी वो टी शर्ट में नहीं आऊँगी सामने, इसलिए मैंने उनको कैप्चर नहीं किया क्योंकि वो मना कर रही थी कि तो सूट में डालना टी शर्ट में नहीं लगता है। कोई नहीं बट ये भी कपड़े बहुत अच्छे बनाते हैं, मेरे कपड़े दो ही जगह बनते हैं, ससुराल में आइना डिज़ाइनर पे और मायके में आंटी के पास। वो मतलब हम छोटे छोटे से देख रहे हैं, मतलब कपड़े यहाँ पे अगर आते तो इनके पास, वहाँ जाते तो उनके पास, कोई दिक्कत नहीं है। यही बहुत सुंदर कपड़े बनाती है। मैं तो इसे कह रही हूँ आंटी आप भी ऑनलाइन काम कर लो, ऑनलाइन भी अच्छा काम होता है, पर आंटी ऑनलाइन नहीं करती। सो हमारा सब हो चुका है, अब हमें शहर बदरपुर जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए। वो सामान रह रहा है और हमारा नहीं, वो सामान हमारी मम्मी इनका सामान, मम्मी इनका होने वाली भाभी का सामान है। ये ऐसे लेट लतीफ है, ऐसे काम है, बेटी आएंगी तो वो करेंगी। तो कोई नहीं चलो देखते हैं, और मैं घर जाके कंटिन्यू करूँगी इसे, घर जाके देखते हैं, घर जाके बाद में कंटिन्यू करते हैं, तो मैं रस्ते में हूँ इसलिए मैं इसे बाद में कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे बातें चल रही हैं, थोड़ी बहुत छोट मोट बातें जो हो जाते हैं काम उसके लिए। एक काम करता हूँ, पर्चा दो, छोट मोट बातें चल रही है जो मतलब होती हैं। अब इस टाइम हम जा रहे हैं कहीं पे, मैं इसका शूट करूंगी जहाँ पे जा रहे हैं। जा पर्चा तो ले जाओ उसे, मतलब उनकी छुट मुट बात चल रही है जो मतलब कल की लगन है और छुट मुट जो सामान रह गया है उनका टॉपिक छुट रहा है सब बैठ के। वो तो मैंने लेट कैप्चर लिया, अभी तो तीते शोर हो रहा था। सो मैं अभी हम जा रहे हैं कहीं पे, शायद कहीं जाना है तो देखते हैं, फिर कैप्चर करते हैं उसे। ओके बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ चलते चलते, करते हैं थोड़ी देर में गाइस कंटिन्यू। कैसे ये इमेज घेर के बैठे हुए हैं। चलो गाइस करते हैं थोड़ी देर में कंटिन्यू। मैं तैयार थी परसों साथ के कि चलो मैं जाना है कुछ सामान लेने, बट वो प्लान कैंसिल हो चुका है शायद कल की लगाना, बट मुझे लग रहा है हम कल सुबह जल्दी जाएंगे वहाँ के लिए जो हमें सामान चाहिए वो लेने के लिए। और बाहर से आप देख रहे हो शोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी घर में होता है और अभी बहुत सारा काम है जो हमें करना है। मुझे लग रहा है हम रात को बहुत लेट से उठ जाएंगे और मैं इसमें लगी रहेंगे ब्लॉग में, तो वही सब कोई काम नहीं होना। और मुझे गालियाँ पढ़नी है इतने बढ़िया बढ़िया टाइप की ना, अरे वो कैप्चर ले तो मेरा हो गया, इतनी गालियाँ देती है तुम्हारे मम्मी। मतलब मम्मी है प्यार वाली होती है बट वो देती है कभी कि अभी बीच बीच में, अभी मुझे 5 दिन में रहना ही है, खैर मैं आई थिंक 18 को यहाँ से जाना, 17-18 जो भी हम इस दिन जाएंगे यहाँ से, हो सकता है बीच में गाली कैप्चर करें। अब ना जा रहे ना, वो मेरे फालतू पर्स मंगाया, मेरा पर्स स्टॉक का मैं तैयार ही
देख। चलो जाते हैं। चाचा से बात कर लियो, कैमरा वाले कैंसिल करके यही दे देंगे। कलुआ चाचा गाड़ी ले जाते। ठीक है आप बोलियो बोलियो। इसमें चप्पल नहीं है, चप्पल के लिए जाते हैं। नहीं है अरे वो जी तो गाइस हम पहुंच गए लास्ट नगर और लास्ट मोमेंट पे भी हमारी शॉपिंग हो रही है। में जाना तो कहीं और था बट हम आ नहीं जा पाए। अब हम वहाँ पे सुबह जाएंगे तो हमारी लास्ट मोमेंट की शॉपिंग अब हो रही है लातूर नगर की, क्योंकि हमें भाई की मतलब भाइयों की जिन दो भाइयों की शादी है जिन भाई की उनके लिए जूते लेने हैं एंड मोमेंट पे उनके लिए जूते आ गए ये लिए जूते नहीं आए सोचो जूते के जूते लेने आए। और आई थिंक शाम के 7-8 का टाइम होगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कितना रश है। गाइस देख सकते हो कितना रश है। बुआ के साथ है बुआ, भाई गाड़ी लगा रहे हैं। बुआ और मम्मी है, भाई गाड़ी लगाने गए हैं पार्किंग में। तो चलो देखते हैं कितना खुश कर पाती हूँ यहाँ का भी। मैं करती हूँ थोड़ी देर में कंटिन्यू। भाई अभी बस पार्किंग लगा गाड़ी पार्किंग में लगा के आ रहे हैं। तो गाइस मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो गाइस हम यहाँ पे बैठे हैं, भाई और शूज देख रहे हैं, तो दूसरी साइड देख रहे हैं बट हम यहीं पे बैठे हुए हैं। मैं मम्मी और बुआ यहीं पे हैं, दिखाती हूँ कहाँ पे। सो गाइस मैं चाहती हूँ मैं ये ब्लॉग का एंड यहीं पे कर दूँ पर देखते हैं लेक्सी कंटिन्यू करती है थोड़ी देर में। गाइस ये देखो माँ बेटा का माँ बेटे का प्यार चल रहा है। तने मेरी वीडियो खराब करी, बधाई नहीं हूँ कहाँ मजाक कर रही हूँ। ले सुन अपन मेरे से तने वीडियो खराब करी अभी। इनके जूते ही डिसाइड नहीं हो रहे हैं। कौन आएगा? कुत्ता हमारा लेब्रा। बता भी अब भाई उनको बनाना मेरी शादी के दौरान। तू जाओ ना तो वहां पर आज उठ जाएंगे। बहुत गंदा सीन हो जाएगा। लड़ जाओ दोनों अभी। लड़ जाओ भिड़ जाओ या बोला जाए सुधार। बोल तू। तो गाइस कल इनकी लगन है और इनके अभी तक शॉपिंग कंप्लीट नहीं है। इनके शूज नहीं लिए गए हैं, शेरवानी नहीं ली गई है अभी तक। आठ नंबर माने से क्या होगा इनका देखना। पसंद भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा का वीडियो बनती रहेगी जब तक तो पसंद तो गाइस इन्हें अगर ब्लॉग बनता रहा ऐसी तो इन्हें चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। क्योंकि भाई ये वीडियो तो उसको देंगे एंड मौके पे भाई इसने अपने ब्लॉगिंग बंद नहीं की, इस वजह से हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए पहले ये शॉपिंग होने देते हैं। तो मैं इस ब्लॉग के इसलिए ही एंड करूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है मुझे शॉपिंग करना घर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कल लगन है, इनकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं है और अब रात के आई थिंक 8 बज रहे होंगे, क्योंकि 7:30 तो जब ही होते हैं मार्केट में आए थे। 8:30 का टाइम हो रहा होगा। तो इसलिए हम इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताना कैसा लगा हमें की शॉपिंग करा देगा। ये देखो मुझे कैसे घूर रहा है।
और ये तो सबसे ज्यादा घूर रहा हूँ, इसे तो मेरा जीना बहुत कर रहा है कि मैं तो ब्लॉगिंग करेगी, मैं जूते नहीं लूंगा। ये मुझे लगा तेरी ब्लॉगिंग चालू होगी ना तो भाई साहब मैं जूते नहीं लूंगा। अब बताओ, आप बताओ क्या किया जाए, ब्लॉगिंग बंद करनी पड़ेगी और क्या होगा इससे ज्यादा ना, ब्लॉगिंग बंद कर देते हैं। तो गाइस मुझे बताने ब्लॉग कैसा लगा आज का, बाय बाय, किसी तो अभी तक ना मिले तो सेव कर दियो। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अभी शूट करेंगे, मैं सामान रख देती हूँ ना। अब मैं कौन से इसे पकड़ूँ, मुझे मैं कौन से नहीं पकड़ पा रही थी हाथ में सामान का। और गाइस मैं बहुत शुक्रिया, और मैं आपको सामान देख क्या दिखा रहा हूँ, इनकी शेरवानी है भैया की, भैया की शेरवानी है, सेवड़ भी हो चुकी है और आई थिंक घड़ी कहाँ है, घड़ी पता नहीं कहाँ गई, रात के 10:30 का टाइम हो रहा है। और अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर दिया, सब मार्केट में भी एंड कर दिया था बट मैंने और इसमें थोड़ा सा जोड़ दिया, कोई नहीं, बताना कैसा लगा। ये देखो ये आप आ रही हो, इतना बड़ा मुँह फाड़ के दीदी, ये रहा सामान शॉपिंग का और अंदर है, ये भी अंदर ले जाओ, यू ना ये तो बाकी है ना, और सामान अंदर रखा हुआ है। चलो अब इस ब्लॉग का हाँ एंड करते हैं, बताना कैसा लगा।